press the bell icon on the YouTube and never miss another update. आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ आज, जिसमें हम आज ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आगे 9 से शुरू करेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन ये दे रखा है, और आपको प्रूव करना है 2 sec थीटा। तो इसके लिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको अपन पहले उतार लेंगे। LHS 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब ये जो क्वेश्चन अपन इनको साइन कोस में चेंज करके करते हैं, तो ये साइन कोस में चेंज है ऑलरेडी, तो इसमें इन दोनों का अपन एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, और इन दोनों का अपन एलसीएम लेंगे क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन का फॉर्म है। तो एलसीएम लेने के लिए इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो दोनों का जो एलसीएम आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा डिनोमिनेटर का। तो इन एलसीएम लेने के बाद कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इसका एलसीएम आ गया। अब जब कॉस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन बचेगा, 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आगे प्लस 1 प्लस साइन थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, बचेगा कोस, कोस का मल्टीप्लाई कोस से होगा तो कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ न्यूमरेटर के अंदर 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये एलजेब्रा की आइडेंटिटी बन गई है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें ए 1 प्लस साइन थीटा ओपन करेंगे, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अपन तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस साइन का स्क्वायर प्लस डबल करेंगे तो 2 साइन थीटा, क्योंकि 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा आएगा तो 2 साइन थीटा हो गया, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, ये दोनों अगर आप पास पास रखकर इसको ऐड करो तो ये आइडेंटिटी मिल जाएगी फर्स्ट, तो इनका आंसर 1 होता है। तो नेक्स्ट में आप इन दोनों को आस पास लिख लीजिएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और अपॉन में कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इस आइडेंटिटी इक्वल 1 होता है, तो मैं ये थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे 1 प्लस ये 1 हो जाएगा 2, आपको ये लाइन लिखनी होगी 1 प्लस 1 2, तो ये 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और 1 प्लस साइन। यहाँ पर जो आपने आइडेंटिटी दिखाई है वो लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लगाइए। अब इन दोनों में न्यूमरेटर में इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो उसको आप कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ 2 कॉमन आने के बाद यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन आया है तो साइन थीटा अपॉन में एज इट इज डिनोमिनेटर कोस थीटा 1 प्लस साइन। अब यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब अपने पास आंसर बचेगा 2 अपॉन कोस थीटा, लेकिन यहां अपने को लाना है 2 sec थीटा, तो हम जानते हैं कि sec है वो cos का इनवर्स, तो इसके लिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस थीटा, ताकि यहां पर आप 1 अपॉन कोस को sec लिख सको, तो 2 इंटू sec थीटा, और यहां पर आप इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, या चाहो तो ये मेन फॉर्मूला लिख दीजिएगा cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया आर एच एस। थैंक्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, इसका आंसर लेकर आना है 1। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां जो 4 पावर है इसकी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन इस 4 को आप अगर स्क्वायर का स्क्वायर बना दो तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन इस साइन स्क्वायर की पावर 4 इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न बन गया है, तो यहां पे जो a है a की वैल्यू साइन स्क्वायर है और b की वैल्यू है कोस स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b, ये आइडेंटिटी लगाएंगे अपन यहाँ पे अलजेब्रा की। अब a की जगह यहाँ पे अगर आपको ध्यान नहीं तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं, a की जगह यहाँ पे है साइन स्क्वायर और b की जगह है कोस स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a प्लस b और a माइनस b, ये न्यूमरेटर में लगाएंगे आइडेंटिटी, तो a की जगह है साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह है कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया a प्लस b, और दूसरा है a माइनस b, तो a की जगह है साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन वाला है वो एज इट इज लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ रहा है ये साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब अपने पास यहां बच गया है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटी फर्स्ट होती है, तो इसका आंसर होता है 1। तो ये आइडेंटिटीज आप यहां पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आंसर लाना था, तो ये राइट हैंड साइड हैंस ट्रू। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कोट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये प्रूव करना है। तो यहाँ जो आंसर है अपने को साइन और कोस के फॉर्म में लेकर आना है, तो इस टेन और कोट को भी आपको साइन और कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड कोट थीटा माइनस टेन थीटा है, अब कोट थीटा जो होता है वो साइन और कोस के फॉर्म में ही होता है, साइन अपॉन कोस सॉरी कोस अपॉन साइन होता है, और टेन इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तब तो आप इन दोनों को आगे ब्रैकेट में लगा के लिख दीजिए अभी आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई। अब ये दोनों फ्रैक्शन का फॉर्म में आ गए हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ये दोनों ही जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो एलसीएम आएगा वो इनका मल्टीप्लाई आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा आएगा, साइन का जब डिवाइड करेंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस कोस का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर कोस से होगा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कोस कैंसिल साइन बचेगा, साइन का मल्टीप्लाई साइन से होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आंसर जो आपको लेकर आना है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लेकर आना है, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो पूरा पूरा साइन के अंदर है, लेकिन डिनोमिनेटर वाला तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो आपको डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है, ये न्यूमरेटर है इसमें आपको चेंज करना है, और इस साइन स्क्वायर की जगह तो साइन स्क्वायर लिखना है, और इस कोस स्क्वायर को कन्वर्ट करना है साइन में। तो ये जो आइडेंटिटी है ये मोस्ट क्वेश्चनों में लगेगी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला, तो इसमें आपको साइन स्क्वायर को तो साइन स्क्वायर ही रखना है, और कोस स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप ये लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ न्यूमरेटर में आप कोस स्क्वायर की जगह लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे माइनस और ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब देखो ये माइनस का है ये भी माइनस का है, तो दोनों साइन स्क्वायर है तो इनकी डिग्री सेम है इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये आ गया आर।
अब एग्जाम के अंदर ये भी पूछ सकता है, 1 - 2 sin² किसके, ये भी पूछ सकता है 2 cos² θ - 1 upon sin θ multiply cos, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप यहां तक तो ये सेम करेंगे, ये सेम प्रोसेस होगा। इसके बाद जो चेंजेस होगा वो ये होगा कि इसमें आंसर आपको cos² के अंदर लेकर आना है, तो cos² में लेकर आना है, तो ये जो न्यूमरेटर में cos² है ये तो सेम रहेगा, और इस sin² की जगह ये आइडेंटिटी लगाओगे 1 - cos², तो न्यूमरेटर में cos² माइनस साइन स्क्वायर की जगह आप लिखोगे 1 - cos², लेकिन यहाँ ध्यान देना ये माइनस है, ये साइन स्क्वायर से पहले है, इसलिए आपको आगे वाली जो आइडेंटिटी लिखोगे इसके लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 - cos² θ और अपॉन में वो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस। अब देखो अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो ब्रैकेट नहीं लगाने से ये माइनस का और ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाते हैं cos स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट लगाएंगे तो ये ब्रैकेट के बाद जो माइनस का साइन है ये इससे मल्टीप्लाई करने है, cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। अब ये cos स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, ये आरएचएस आ जाता है। तो अगर जब ये क्वेश्चन आए एग्जाम में तो अब आपको ये प्रूव करना है इतना, ये वाला यहां तक तो ये सेम रहेगा, और एग्जाम के अंदर जब ये आता है 1 - 2 sin² upon sin cos, तब आपको इसको यहां पे सॉल्व करना है, ये हैंड्स करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, cos की पावर 4 प्लस sin की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 cos² multiply sin². आगे ये जो अपन यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन का जो पैटर्न, ये आगे क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर भी है और एक क्वेश्चन आगे 26 आए उसमें भी ये चीज वहाँ पे अगेन रिपीट होगी, उसका क्वेश्चन में इसका ये पार्ट वहाँ पे सेम रहेगा, बाकी इसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट और होगा। तो ये cos की पावर 4 प्लस sin की पावर 4 थीटा, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये यहाँ पे माइनस था, तो ये प्लस में है तो भी वो सेम प्रोसेस, यहाँ cos की पावर 4 और sin की पावर 4 थीटा है तो इसको आप स्क्वायर का होल स्क्वायर बना लो, और इस sin स्क्वायर को भी ऐसे, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा, अब 4 को आप लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अपन ने इसको ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्म बना लिया, अगर यहाँ माइनस होता तो आइडेंटिटी लिख जाती ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाले, लेकिन यहाँ प्लस में आ रहा है तो इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि एड और सब्ट्रैक्ट करने वाला, कि अपन इसमें कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर है वो 2 एड करेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ये अलजेब्रा के अंदर जो फॉर्मूला है, यहाँ देखो ए की जगह तो है वो है कोस स्क्वेयर थीटा और बी की जगह है वो साइन स्क्वायर थीटा, ये है यहाँ पे। तो आपके पास आप ही फॉर्मूला जानते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपके पास यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पैटर्न पड़ा है, ये पैटर्न इतना आपके पास अवेलेबल है तो ये 2ab साइड आके माइनस हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप चाहो तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे याद रख सकते हो, जब अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो उसकी जगह आप ये लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अदरवाइज आंसर में अपने पास 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर आ रहा है, तो इसके लिए आप ये 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर ऐड करोगे और ये सबट्रैक्ट करोगे, तो जो प्लस में लगेगा वो ये फॉर्मूला बना लेगा और जो माइनस में होगा वो ये आंसर के अंदर आ जाएगा। तो इस पैटर्न से करने के लिए अपने को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना होगा इसको, यानी इसके बाद क्वेश्चन को आगे, यानी ये इतना तो अपन ने लिखा है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगाई। अब
कोस स्क्वायर थीटा का जो होल स्क्वायर है, यहाँ ए है वो कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये इसका आंसर है। ये लिखेंगे इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह है कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह है साइन स्क्वायर थीटा। ये तो ए प्लस बी हुआ है और इसका होल स्क्वायर माइनस टू ए की जगह कोस स्क्वायर थीटा, बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर आइडेंटिटी फर्स्ट बन गई है, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो वन होता है, इसकी जगह लिख देंगे ये वन का स्क्वायर माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। वन का स्क्वायर वन माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आर एस एस लेकर आना। अगर आप इसको उस दूसरे पैटर्न से करना चाहते हैं तो इसके बाद आपको ऐसे करना होगा क्वेश्चन को, आप यहां पर लिखोगे टू कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट, आप ये इसमें ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट भी करोगे, तो यहां इसके बाद कोस यानी ये ऑप्शन के अंदर है, इस तरह से भी कर सकते हो आप कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद आपको ऐड क्या कर सकते हो टू कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐड कर दिया और ये सेम अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, जिससे क्या होगा ये दोनों सेम है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इससे एक ये फॉर्मूला बना लेगा क्योंकि अपने को वन लेकर आना है, तो वन लाने के लिए आइडेंटिटी प्लस वाली लगेगी, प्लस वाली आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये जो फर्स्ट वाली जो तीन है इनसे मिलकर के फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह यहाँ कौन है कोस स्क्वायर है, बी की जगह है साइन स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला बन गया है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो हो गया है होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और लास्ट वाला ये रिमेनिंग पार्ट माइनस टू कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, तो ये सेम आ गया। अब यहाँ पे ये और ये और इसकी जगह लिख देंगे वन का स्क्वायर माइनस टू कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, वन का होल स्क्वायर वन माइनस टू कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 sec थीटा माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा प्लस tan थीटा, आंसर लेकर आना है tan थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में है sec थीटा माइनस cos थीटा और cot थीटा प्लस tan थीटा, तो अभी क्वेश्चन 11 किया था जिसमें ये पार्ट आया था लेकिन यहां पे माइनस था, तो वो सेम का सेम प्रोसेस इसके लिए, वहां माइनस था और यहाँ बस प्लस है, इतने चेंजेस है। तो आंसर अपन लेकर आना है tan थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा, तो 90% क्वेश्चन है वो sin cos में कन्वर्ट करके करते हैं अपन, तो यहाँ पे sec है वो cos में कन्वर्ट होता है, तो sec हो गया 1 upon cos थीटा माइनस ये cos का cos रहेगा सेम, cot थीटा को लिख देंगे cos थीटा upon sin थीटा प्लस tan को लिख देंगे sin थीटा upon cos थीटा, तो ये सेम का सेम है, वन माइनस का था यहाँ ये प्लस का। अब ये दोनों ही फ्रैक्शन है, इधर ये दोनों फ्रैक्शन है, तो दोनों ब्रैकेट में अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इस वाले ब्रैकेट का एलसीएम तो आ जाएगा cos थीटा और वन का एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, और इधर वाले जो ब्रैकेट है उसमें दोनों ही डिफरेंट है तो इनका एलसीएम आ जाएगा sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। cos का आप इसमें डिवाइड करेंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 1 माइनस 1 का इसमें डिवाइड करेंगे cos, cos का मल्टीप्लाई cos से होगा तो ये cos स्क्वायर थीटा, इधर sin का मल्टीप्लाई sin का डिवाइड इसमें करेंगे तो sin कैंसिल cos बचेगा, cos का जब cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये cos कैंसिल, sin बचेगा sin का मल्टीप्लाई sin से होगा तो ये sin स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटीज बहुत सारे क्वेश्चनों में लग रही है, ये तीनों यहाँ देखो 1 माइनस cos स्क्वायर आ गया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन sin स्क्वायर थीटा, तो ये sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो इसकी जगह लिख दिया 1 अपॉन sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा।
अब देखो ये मल्टीप्लाई के अंदर है, तो यहाँ पे इस साइन से इस साइन की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ साइन की एक पावर बच गई है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इधर बच गया 1 अपॉन कोस थीटा। अब साइन अपॉन कोस 10 होता है, तो इसकी जगह अपन ने लिख दिया 10 थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस। अभी लिखा था फिर स्टार्टिंग में ये sec थीटा होता है, तो ये अपने को RHS लिखा। तो दो भी आइडेंटिटी ध्यान दें, जैसे मैंने यहाँ लिख रखी है, लेकिन आप एग्जाम के अंदर जब भी आइडेंटिटी जो भी लगे वो आपको आगे यहाँ कॉलम बना करके उसमें लिखनी है। 13 1 - tan² α / cos² α - 1 आंसर लाना है टेन स्क्वायर अल्फा। इस क्वेश्चन को भी अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, अदरवाइज इस कोट स्केल को टेन में चेंज करके, जैसे कोट थीटा क्या होता है 1 अपॉन 10 थीटा होता है, तो यहाँ कोट अल्फा की जगह 1 अपॉन 10 अल्फा लेकर के इस पूरे को अपन टेन में चेंज करके कर सकते हैं। तो अपने ये टेन में चेंज करने वाला सिंपल है और थोड़ा छोटा रहेगा ये क्वेश्चन, तो ये करते हैं अपन। अलग साइज का 1 - tan² α / cot² α - 1। अब न्यूमरेटर है वो तो टेन में है, तो इस डिनोमिनेटर को चेंज करना है अपने को सिर्फ, डिनोमिनेटर में तो है 1 - tan² α, कोट किस गया लिख देंगे 1 अपॉन 10 α, क्योंकि कोट थीटा होता है 1 अपॉन 10 θ, इसका मैन ये 10 मल्टीप्लाई कोट होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला ट्राई करने वाला आगे अपन जब स्टार्टिंग करेंगे सेशन के अंदर तब अपन करेंगे, क्योंकि अभी 10th का एग्जाम है, तो उनके तो ये समझे हुए क्वेश्चन, उनको थोड़ा सा शॉर्ट पैटर्न के अंदर ही बताया था। तो कोट किसके लिख दें 1 अपॉन 10। अब इसका होल स्क्वेयर है, तो इस पूरी का जब आप होल स्क्वेयर करोगे तो 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होता है, तो स्क्वेयर सिर्फ 10 पे लग गया, आगे माइनस का 1। अब देखो डिनोमिनेटर के अंदर ये फ्रैक्शन आ गया, दोनों फ्रैक्शन का फॉर्म हो गया, तो इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका न्यूमरेटर है वो सेम लिखेंगे 1 - tan² α। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम 10² और 1 दोनों का ही 10² आएगा। अब 10² का इसको डिवाइड करोगे तो 1 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये आ गया 1 - 1 का डिवाइड जब आप 10² में करोगे तो 10² का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये 10² है। अब जो डिनोमिनेटर में है वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में और ये डिवाइड के अंदर है, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 - tan² α मल्टीप्लाई ये 10² डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अपॉन में ये है वो डिनोमिनेटर बन गया 1 - tan²α। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में होने की वजह से कैंसिल हो गए हैं, तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो 10² α, और ये अपने को आंसर लेकर आना था। अब इसको साइन कोस में चेंज करते हैं, तो फिर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम लेके करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको इसी से करना। क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन 1 - cos = 1 + cos θ अपॉन साइन थीटा, ये आंसर लेकर आना है अपने को। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सिर्फ ये एक फ्रैक्शन दे रखा है, तो ये प्लस में है, तो इसको अपने को सॉल्व करके और ये राइट हैंड साइड लेकर आना है 1 + cos / sin θ। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सस्पेंसिव क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा अपॉन 1 - cos θ। अब आंसर में अपने को अपॉन में तो साइन थीटा बनाना है, और जो न्यूमरेटर में है वो साइन की जगह 1 + cos θ बनेगा, तो यहाँ पे ये वाली जो आइडेंटिटी अपने को बनानी पड़ेगी, क्योंकि 1 - cos θ तो है अपने पास, अगर 1 + cos θ आ जाए तो a² - b² फॉर्मूले से 1 - cos²θ बन जाएगा डिनोमिनेटर में, और 1 - cos²θ की जगह फिर वो साइन में चेंज हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वेयर बनेगा, लेकिन न्यूमिनेटर में होने की वजह से वो साइन से कैंसिल होने के बाद डिनोमिनेटर में एक ही साइन बचेगा। तो इसका जो रेशनलाइज करेंगे अपन, तो 1 - cos θ है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 + sin θ से, तो मल्टीप्लाई बाय 1 + cos θ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर।
अब 1 माइनस कोस है, 1 प्लस कोस से मल्टीप्लाई किया है, अगर यहाँ 1 प्लस होता तो यहाँ 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करते, तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कोस थीटा से, तो ये न्यूमरेटर में भी किया डिनोमिनेटर में भी, ताकि दोनों ये सेम है तो ये कैंसिल होने के बाद अपन मल्टीप्लाई तो 1 से कर रहे हैं। अब 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा ये दोनों मिल करके वापिस फॉर्मूला जो अलजेब्रा का वो क्रिएट हो गया, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का जो मल्टीप्लाई होता है तो इसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेगा, ये लिखेगा डिनोमिनेटर के अंदर, और न्यूमिनेटर वाला डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेगा साइन का मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा से, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा, और अपॉन में ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब न्यूमिनेटर को आप सेम लिखोगे साइन थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा, अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह लिख देंगे ये साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटीज आपको आगे ब्रैकेट में लिखनी होगी, साइन थीटा से इसके एक और कैंसिल हो गई है, तो अपने पास जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब आंसर में ये भी प्रूव करवा सकता हूं और ये भी करवा सकता हूं, कोसेक थीटा प्लस कोण थीटा ये भी प्रूव करवा सकता है, तो जब ये प्रूव करवाएगा तो अपने को इसको जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, यानी ये वाला पैटर्न लग जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी अपॉन सी है तो ये a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगाएंगे, तो 1 अपॉन साइन और प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन जो साइन है वो बन जाएगा cosec थीटा और cos अपॉन साइन है वो बन जाएगा cot थीटा, तो ये भी RHS प्रूव करवा सकता है, इसलिए अपने को ये दोनों ही आंसर इस पे ध्यान रखने हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक ये 4 पावर में है, एक ये 6 पावर में है और एक ये 8 पावर के अंदर है, तीनों अच्छे क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो 6 और 8 वाला है वो मोस्ट, इनको आप ध्यान से देखिए एग्जाम के अंदर, तो जब 6 पावर वाला है इसको अपन किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा पार्ट आया था वो यहाँ पे अपन यूज करेंगे, जो अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटीज, तो साइन लेफ्ट हैंड साइड में साइन 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, अब इस 6 को अपने को या 2 की पावर 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और 3 की पावर 2 में भी, लेकिन यहाँ पे ये ट्रिक ध्यान रखना है कि 2 की पावर 3 में करेंगे ताकि यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटीज बन जाए, तो साइन की पावर 6 को अपन लिख देंगे साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर का क्यूब, तो ये पावर है वो मल्टीप्लाई होती है 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 आ गया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया अलजेब्रा का ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान नहीं है आपको इस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर सकते हो, तो फॉर्मूले में कहीं कंफ्यूजन होता है इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब में और ए प्लस बी की क्यूब में, तो इन फॉर्मूलों को आपको एग्जाम में ध्यान से देखना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अलजेब्रा वाले ये जो फॉर्मूले लग रहे हैं जो आपके 9th क्लास में 3rd एक्सरसाइज में होते थे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ ए बी टू ए बी नहीं होगा, अगर गलती से यहाँ टू ए बी लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है, यहाँ प्लस आता है यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आता और यहाँ ए बी प्लस का आता, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ। अब ए की जगह कौन है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, बी की जगह कौन है कोस स्क्वायर है, तो आपके अगर यहाँ याद नहीं रहता है तो आप इस पे भी लिख सकते हो कि ए की जगह यहाँ पे साइन स्क्वायर है जैसे पिछले क्वेश्चन 12 में लिखा था, और डी की जगह अपने पास है यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी, तो ए की जगह साइन स्क्वायर प्लस बी की जगह कोस स्क्वायर, तो ए प्लस बी लिखेंगे तो ए प्लस बी लिख दिया है
ए स्क्वेयर, तो ए का स्क्वेयर करेंगे तो ए की जगह तो साइन स्क्वेयर थीटा है, अब इसका होल स्क्वेयर होगा प्लस, आप इस फॉर्मूले को प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी भी लिख सकते हो, तो मैं उसी पैटर्न से लिख रहा हूँ, नहीं तो एक लाइन अपने को और एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर करोगे तो ये कोस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर हो गया, और माइनस का ए बी है तो माइनस का साइन स्क्वेयर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वेयर थीटा। अब ये चीज वहां पे अपन ने क्वेश्चन में किया था, क्योंकि उस क्वेश्चन में या 1 - 2 साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर आया था, यहाँ पे ये इतना जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये उस क्वेश्चन नंबर 12 में आया था ये इतना पार्ट, तो वहां पे भी अपन ने जो वहां पे सिर्फ ये आया था इतना, तो वहां पे अपन ने जो एड और सबट्रैक्ट वाला भी लगाया था, और एक ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल में आपने जो आइडेंटिटीज डायरेक्ट लिखी थी, तो वो डायरेक्ट आइडेंटिटीज वाला यहाँ पे लिखते हैं, तो वो आइडेंटिटीज ये थी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की जगह आपने लिखा था ए प्लस बी का होल स्क्वेयर और माइनस 2ab, तो ये आइडेंटिटीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ब्रैकेट से पहले साइन प्लस कोस स्क्वेयर थीटा होता है 1, ये ब्रैकेट में ये हो गया 1। अब यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए की जगह क्या है साइन स्क्वेयर, ये ए हो गया प्लस बी, तो बी की जगह है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है। आगे माइनस माइनस और 2ab, तो 2 ए की जगह कौन है साइन स्क्वायर और बी की जगह है कोस स्क्वायर थीटा, ये तो इस इतने पार्ट की जगह पर ने लिखा। अब ये लास्ट के अंदर ये रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, ये और लिख दे माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 है, ये तो यहां से रिमूव हो गया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ये ब्रैकेट के जो अंदर है ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, ये 1 होता है, तो ये 1 का होल स्क्वायर है, माइनस ये 2 है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और ये 1 हो गया, तो ये 2 और 1 ये दोनों एड हो जाएंगे, ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा भी आ रहा था समान। अब आप ये वाला 3 क्वेश्चनों में लगेगा, 11 में लगा था, 16 में लगेगा, और आगे एक क्वेश्चन और आएगा साइन की पावर 8 प्लस कोस की पावर 8 उसमें भी, तो आप चाहो तो ये वाला लगा सकते हो या 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एड करना और सब्ट्रैक्ट करना, इन तीनों क्वेश्चनों में ये पैटर्न लगेगा लगेगा, या तो एड वाला लगा लो या ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला ये आपने पढ़ा हुआ है, ये 2ab साइड होता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो अपने इसका ट्रांसफर कर दिया इधर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ये 4ab।